Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। कोई बात नहीं, ये भाई पुलिस वाले का गले मैंने पकड़ रखा है इसने। हाथ छोड़ रहा पुलिस वाले पे, हाथ छोड़ रहा है जब इसे दो इधर से धंडे दो इसमें। यूपी के मथुरा में सब इंस्पेक्टर पर हमला करने और उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में स्थानीय भाजपा नेता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि घटना 28 मई देर रात की है। पुलिस को हाईवे थाना क्षेत्र के बालाजीपुरम चौराहे पर दो समूहों के बीच झगड़े की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर चेतन भारद्वाज और एक कांस्टेबल को मौके पर भेजा गया, जहां कुछ लोगों ने पुलिस से अभद्रता और हाथापाई की थी, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी भाजपा नेता दिनेश कुमार एसआई चेतन भारद्वाज की वर्दी का कॉलर पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ मौजूद है। पुलिस वाले दिनेश को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि नीरज नाम के व्यक्ति की कार दिनेश कुमार की मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, जो बालाजीपुरम वार्ड पार्षद का पति है। इसके बाद उनके बीच बहस हुई और देखते ही देखते मामला बढ़ गया, जिसके बाद भी सड़क बवाल की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर जब पुलिस टीम पहुंची तो दिनेश कुमार उनके साथ भी भिड़ गया। एसीपी अरविंद कुमार के मुताबिक सूचना मिलने पर जब एसआई चेतन भारद्वाज और कांस्टेबल मौके पर पहुंचे तो दिनेश कुमार और उसके साथियों ने एसआई के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। घटना में एसआई की वर्दी भी फट गई। बाद में जब एसीपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो भाजपा नेता और उनके तीन साथियों को हिरासत में लिया गया। बीते 29 मई को मामला दर्ज कर आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसीपी ने आगे बताया कि एसआई चेतन भारद्वाज की मेडिकल जांच भी कराई गई है। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बालाजीपुरम पड़ता है हाईवे थाना में। लगभग 9:30 एक सूचना मिली थी कि दो पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जो वहाँ का हल्का इंचार्ज हमें पास में थे, वहाँ मौके पर गए, वो झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया और एक वहाँ गाड़ी थी, वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने वहाँ मौके से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। जो जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी को भी सीज करेंगे। जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी बात आई है वो सब हमारे पास फुटेज हम देख रहे हैं, वो सब 307 के श्रेणी में आता है। जो उन्होंने पुलिस के साथ में भद्रता की है तो उसकी भी धारा सुसंगत धारा में FIR पंजीकृत किया जा रहा है। चार लोग गिरफ्तार हो गए हैं ऑलरेडी, बाकी 6 लोगों को विरासत में गिरफ्तार करेंगे और भी जो लोग इसमें नॉन वेज लोग इन्वॉल्व होंगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पूर्व भी एक सत्ती हत्या को लेकर के वहाँ पर करीब 8 से 10 नहीं, जो भी इस प्रकार की सूचना आती है हमारे पास है तो उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। जो भी जो समुचित धारा बनता है उस धारा में हम FIR पंजीकृत करते हैं, विवेचना करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं। पुलिस हम लगातार उसमें कार्रवाई करते हैं। अब जो पहले एक मुकदमा लिखा गया तो उस मुकदमे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसमें भी कार्रवाई इसमें करेंगे कि ये भी देखेंगे कि क्या बात हुआ, जितने वर्षा घटना हो रही है, यदि किसी की लापरवाही इसमें होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।